दोस्तों आज के दिन की शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे 8 इंजेक्टर की गाड़ियों के साथ में। और मेरे पास आज 3 से 4 गाड़ियां आई हैं जो कि 8 इंजेक्टर की गाड़ियां हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियां हैं जो 4 इंजेक्टर्स की हैं। बहुत कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। अभी मेरे को एक कस्टमर ने फोन किया था, बोला कि भाई मैंने एक्स्ट्रा गाड़ी खरीदी है जो हुंडई की एक्स्ट्रा है, क्या उसके अंदर 4 इंजेक्टर वाली किट लगेगी 8 इंजेक्टर वाली। यहाँ पर आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो गाड़ी जिस जितने इंजेक्टर्स की आती है तो उतने ही इंजेक्टर्स पे लगाए जाते हैं। और हम मारुति की गाड़ियों की बात करते हैं तो मारुति की 8 इंजेक्टर वाली जो गाड़ियां होती है उनमें आप 4 इंजेक्टर वाली किट भी लगवा सकते हो, साथ में डिवाइस भी लगवा सकते हो। बट अब हम हुंडई की बात करते हैं, किया सेल्टोस की बात करते हैं, इन गाड़ियों के अंदर आपको 8 इंजेक्टर वाली किट लगवाओगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आती है। जैसे कि हम क्रेटा की बात कर रहे हैं, क्रेटा के अंदर मोटोजेन का अप्रूवल है, लवेटो का अप्रूवल है, बट मेरी कोशिश रहती है कि हम मोटोजेन इसमें लगाएं, क्योंकि मोटोजेन के अंदर अच्छी बात क्या है, जो इसका ईसीएम है वो बहुत फास्ट ईसीएम है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ईसीएम है, ये इटली से इंपोर्ट किया हुआ है। इंजेक्टर्स कोई कोई डीलर 4 इंजेक्टर भी लगाते हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि हम इसमें 8 इंजेक्टर लगाएं, क्योंकि 8 इंजेक्टर लगाने से गाड़ी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आती है। बात करते हैं नोजल साइज की, तो वो हमें देखना पड़ता है कि नोजल साइज कितना लगाना होगा इसके अंदर। वायरिंग सारी की सारी ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर चुके हैं, फिटिंग की क्वालिटी नंबर एक है, आप देखिएगा सारी की सारी जो वायरिंग है उसको ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दिया है। रिड्यूसर इसका डबल स्टेज का है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है रिड्यूसर की। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इंजेक्टर्स भी इनके इंपोर्टेड इंजेक्टर्स हैं मीजो मोटोजेन के। यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, ये है बहुत पुरानी स्विफ्ट डिजायर, मात्र आपकी चली हुई है ये 70,000 किलोमीटर और ये 2013 का मॉडल है। इसमें भी हम मोटोजेन लगा रहे हैं और ये बहुत इंडियन ब्रांड है और सारे पार्ट्स इसके इंपोर्टेड हैं। ये BS4 वाली किट है, यानी कि BS4 की किट लगेगी। इसकी ईसीएम की अगर बात की जाए तो बहुत छोटा सा ईसीएम है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको वीडियो के माध्यम से, पता लगेगा कि अगर मैं इस वाले ईसीएम को दिखाऊं आपको और 8 इंजेक्टर के ईसीएम को दिखाऊं तो बहुत फर्क है। इसका डबल आता है 8 इंजेक्टर वाला ईसीएम, इससे ऊपर परफॉर्मेंस आती है आपकी 48 पिन के साथ में। आप आइए मैं आपको पीछे की साइड से दिखाता हूँ कि हम पीछे की साइड से कैसे काम करने वाले हैं। जैसे कि ये गाड़ी खड़ी है सेल्टोस, इसके अंदर 12 किलो और 14 किलो दोनों अप्रूव सिलेंडर हैं। मेरी एडवाइस होती है कि कस्टमर को हम बताएं कि 12 किलो का सिलेंडर लगवाएं, क्योंकि ये एसयूवी गाड़ी है तो 12 किलो का सिलेंडर की लगवाने से आपको स्पेस भी अच्छा मिलेगा, वेट भी कम होता है। तो यहाँ पर ये नया सिलेंडर लगने वाला है इसके अंदर 12 किलो का। डिजायर गाड़ी के अंदर भी हम 12 किलो का सिलेंडर लगाने वाले हैं। अगर हम और चलते हैं तो देखो, देखने वाली बात यह है कि मेरे पास कहाँ कहाँ से गाड़ियां आई हुई है। तो ये गाड़ी जो है होंडा सिटी है, इस गाड़ी के अंदर जो किट लगाई है वो लगाई है हमने लवेटो, और लवेटो का हमने सबसे टॉप मॉडल आता है स्मार्ट के नाम से, वो इसमें लगाया है। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसी कैसी किट लगाई है, स्विच की प्लेसमेंट कैसी की है। देखो गाड़ी के अंदर जो CNG लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वालिटी वाला काम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना बढ़िया स्विच लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इससे बराबर पैरेलल स्विच लगा दिया है। CVT गाड़ी है और ये जो गाड़ी है 2019 का मॉडल है। कस्टमर जो है मेरे पास बहुत दूर से चल के आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी गाड़ी के अंदर फिटमेंट कैसी की है, बैक साइड से फ्रंट साइड से बहुत नीट एंड क्लीन काम किया है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर जो लवेटो का हमने मॉडल लगाया है, डबल स्टेज रिड्यूसर लगाया है, कस्टमर बहुत दूर से चल के आए थे तो क्वालिटी वाला काम तो बनता ही है गाड़ी के अंदर, नजदीक वाले आते हैं उनका भी बनता है। यहाँ ये डबल स्टेज रिड्यूसर है, क्वालिटी आप देख सकते हैं रिड्यूसर की कितनी अमेजिंग है, गैस फिल्टर है, 4 इंजेक्टर्स यहाँ लगाए हैं, KPA के इंजेक्टर्स लगाए हैं जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आती है। नीचे की तरफ वायरिंग देखेंगे सारी ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दी है, पीछे की तरफ ईसीएम देखेंगे स्मार्ट EXR ईसीएम है, यहाँ पर ये रिफिलिंग वॉल लगाया है। तो इन्होंने मुझे बोला क्या मैं रिफिलिंग वॉल बैक साइड में लगा सकता हूँ, तो मैंने एडवाइस किया है कि बैक साइड में आपको रिफिलिंग वॉल नहीं लगाना है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी गाड़ी के अंदर। और देखो 2-3 गाड़ियां और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है सेल्टोस गाड़ी, ये जो सेल्टोस गाड़ी है बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है इस गाड़ी की। ये गाड़ी आई है मेरे पास इलाहाबाद से चल के और ये कस्टमर पूरी रात इन्होंने ट्रेवल किया है, तो इस गाड़ी के अंदर बहुत अमेजिंग काम हुआ है। काम कैसा हुआ है, इस गाड़ी में लगाइए मीजो डबल स्टेज रिड्यूसर और साथ में जितनी भी वायरिंग है आप देख सकते हैं ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दी सारी वायरिंग, 8 इंजेक्टर्स लगाए हैं। ईसीएम जो है वो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ईसीएम है, जो कि 8 सिलेंडर वाला ईसीएम है, एक डायनेमिक एडवांसर अलग से लगाया हुआ है। सबसे मजे वाली बात क्या है इस गाड़ी के अंदर, बैक साइड से काम बहुत अमेजिंग हुआ है। ये गाड़ी है आपकी ब्रेजा जो कि जाने के लिए तैयार खड़ी है, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी है, जिसके पास भी ब्रेजा है और जो लेने का प्लान कर रहे हैं वो ले सकते हैं, अप्रूवल आ चुका है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मारुति ने हाइब्रिड को हटा दिया है। तो अभी फिलहाल इस गाड़ी के अंदर अप्रूवल बहुत जबरदस्त है,
इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है वो मैं आपको बताऊंगा कस्टमर से पूछ के। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने कौन सी किट इंस्टॉल की, अप्रूवल क्या है इस गाड़ी के अंदर। जब आप किट लगवाने जाते हो तो मोस्टली डीलर्स आपको 4 इंजेक्टर वाली किट लगाएंगे और 8 इंजेक्टर वाला एक डिवाइस लगाएंगे, बट हमने यहाँ पर 4 इंजेक्टर की किट ना लगाकर 8 इंजेक्टर वाली किट लगाई है। और देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ गाड़ी के अंदर। गैस फिलिंग वाल्व हमने फ्रंट साइड से दिया हुआ, जहां से आराम से आप गैस फिल करा सकते हैं। कोई डायनेमिक एडवांसर इसमें नहीं लगाया हुआ है। 8 इंजेक्टर वाला 8 सिलेंडर वाला ECM इसमें लगवाया हुआ है। बहुत बढ़िया फिटमेंट हुई है गाड़ी की। और बैक साइड से देख लेते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर कितना बढ़िया बोर्ड स्पेस निकल के आया है। स्विच की प्लेसमेंट जो है वो छोटा स्विच है इस गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर राइट साइड में स्विच की प्लेसमेंट की हुई है आप देख सकते हैं। पीछे की साइड से अगर हम बात करते हैं कि और क्या काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर बैक साइड से बहुत बढ़िया एक बूट स्पेस निकाल के दिया है। कंपनी फिटेड जब गाड़ी लेते हैं तो आपको इतना बढ़िया बूट स्पेस शायद ही मिलता होगा। यहाँ पर आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ है। जो नीचे का जो कारपेट है उसको हमने प्रॉपर तरीके से कटिंग की है और यहाँ पर प्रॉपर डक्टिंग का काम हुआ है। बैक फिलिंग वॉल के साथ में तो गाड़ी में और ही मजा आता है, तो यहाँ पर बैक फिलिंग वॉल लगवा दिया है। गैस फिल यहाँ से आप करा सकते हैं। तो फिलहाल कस्टमर से पूछते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। सर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लिया आपने, कैसी चल रही गाड़ी? मस्त चल रही भाई, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल पेट्रोल की तरह चल रही, बिल्कुल पेट्रोल की तरह, कोई दब नहीं, कोई एडवांसर नहीं लगाया, गाड़ी बिल्कुल नई है। कितने किलोमीटर चली गाड़ी आपकी? अभी 600 किलोमीटर चली भाई। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं भाई गाड़ी हमने ली है कितने किलोमीटर बाद CNG लगवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी CNG लगवा सकते हैं। बस ये होता है कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलाने से ये आइडिया लग जाता है गाड़ी के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी की जो जो एक तरीके से वारंटी है कंपनी वॉइड कर देती है। तो आप 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चलाएं गाड़ी को, उससे ये आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है। आपने देख लिया है कि ब्रेजा की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है इस गाड़ी के अंदर, हाइब्रिड हटा दिया है। और यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है ये है आपकी किया की सेल्टोस, ये मेरी सबसे फेवरेट कार है। क्यों? उसका रीजन ये है कि किया की सेल्टोस आती है 1500 CC के अंदर और ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। इसके अंदर टर्बो भी आता है जिसमें हम CNG नहीं लगाते हैं क्योंकि टर्बो के अंदर अप्रूवल नहीं है। फिलहाल इस गाड़ी के अंदर जो किट लगाई है बहुत कोशिश की है हमने कि इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया जाए, क्योंकि गाड़ी जो है 700 किलोमीटर दूर से हमारे पास चल के आई है। डायनेमिक एडवांसर इसमें लगाया है, गाड़ी की कैलिब्रेशन एकदम स्टार्ट हो चुकी है। और एक्स्ट्रा क्या काम किया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि जब कस्टमर दूर से आते हैं तो थोड़ा लीकेज का इश्यू ना हो, तो मैंने इसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लगाई है जो इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे टेक्नीशियन गाड़ी में बैठ चुका है कैलिब्रेशन करने के लिए। इसका जो स्विच हमने लगाया वो आप देखिएगा राइट साइड में नीचे की तरफ स्विच लगाया है, जो अपने आप में काफी बढ़िया स्विच होता है। बैक साइड में अगर हम बात करते हैं कि देखो इतनी बढ़िया SUV गाड़ी है, ये 3-बॉक्स कार नहीं है, तो इस गाड़ी के अंदर जब CNG लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी कोई लीकेज होती है तो ये लीकेज आपको गाड़ी के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पर हमने 12 किलो का सिलेंडर लगाया है और साथ में लगाया है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट कस्टमर ने बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व ही लगवाना है। अच्छा बेनिफिट क्या है इस वॉल्व का? ये जो वॉल्व है, पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है एमर मिंडा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व देते हैं हमें। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि आपने गाड़ी को खड़ा किया है 5 दिन के लिए, आप बाहर चले गए, गाड़ी को ऑफ कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व अपने आप ऑफ कर देगा, यानी कि आपको सिलेंडर को मैनुअली ऑफ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी के अंदर लीकेज होती है तो ये ऑटोमेटिकली लीकेज को ऑफ कर देगा, यानी कि सिलेंडर को ये बंद कर देगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व को यही है कि आपकी गाड़ी में आप सेफ हो जाते हो। जब कंपनी से आप गाड़ी खरीदते हो और बाहर की फिटमेंट में सबसे बड़ा जो एक गैप होता है वो होता है कि बाहर की फिटमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं मिलता है, कंपनी फिटमेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व मिलता है। तो आज इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व देके हमने इसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर बैक फिलिंग वॉल्व इसमें हमने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन, बहुत सफाई के साथ में बैक फिलिंग वॉल्व लगाया है। टेक्नीशियन लीकेज चेक कर रहे हैं इस गाड़ी की कि लीकेज इसमें कितनी लीकेज है या नहीं है, अगर है तो उसको दूर किया जाएगा। होंडा सिटी की अगर बात करते हैं तो होंडा सिटी में पीछे की तरफ से कितना ज्यादा बूट स्पेस निकल के आया है। CVT गाड़ी है और बूट स्पेस अगर इसमें ना मिले, होंडा सिटी में ना मिले तो मजा नहीं आता, तो यहाँ देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ है, बहुत बढ़िया बूट स्पेस इसमें निकल के आया हुआ है। अभी गाड़ी गैस भरने जाएगी और उसके बाद इसका हम टेस्ट ड्राइव लेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। CVT के अंदर एवरेज बिल्कुल अच्छी नहीं आती पेट्रोल पे, तो CNG पे उम्मीद करते हैं कि 17 से 18 का सिटी में और हाईवे पे 23-24 का निकाल के देगी।
यहाँ पर फिलहाल जो सेल्टोस के जो कस्टमर है उनका भी हम एक फीडबैक लेके देंगे कि सेल्टोस ये बहुत दूर से हमारे पास चल के आए हैं, तो फीडबैक में मतलब चलने में कैसी चल रही है गाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि 6-8 इंजेक्टर और 4 इंजेक्टर में क्या क्या फर्क आता है। तो एक बार गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और फिर बताते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर ये किया के सेल्टोस की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो चुकी है और अब ये हम डिलीवरी देने के लिए तैयार है। तो सर क्या गाड़ी को ड्राइव किया आपने अभी? कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है? 2-3 किलोमीटर चलाई होगी। हाँ, 2-3 किलोमीटर चली है। यही चल रही है वैसे ही जैसे पेट्रोल पे चलती थी? बिल्कुल सेम चल रही है। एकदम नॉर्मल जैसे चलती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पेट्रोल की तरह गाड़ी चल रही है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।